यस चलिए सबसे पहले निमसेट के एक बच्चे से मिलवाता हूँ, अमन सिंह, जिनकी ऑल इंडिया 24th रैंक है और जो एनआईटी में आप त्रिची जाने वाले हैं डेफिनेटली, और अमन सिंह जो है वो जमशेदपुर से हैं। तो अमन सिंह सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। इसके लिए सर मैं अपने पेरेंट्स और अपनी दीदी और आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। सब आप ही लोग की मेहनत का कारण हो पाया ये सब। देखिए मैंने कभी त्रिची के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं जा पाऊंगा। नहीं, ये बहुत खुशी की बात है, आपकी मेहनत रंग लाई और आपने सबसे खास बात है कि घर पर रह के पढ़ाई की और इतना अच्छा रिजल्ट दिया। तो अमन मैं चाहूंगा, क्या होता है जैसे कई बार, जैसे हर साल बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो कई बार वो पैनिक हो जाते हैं या प्रेशर ले लेते हैं, तो पेपर कई बार अच्छा होते हुए भी बिगड़ सकता है। जैसे इस बार का पेपर ऐसा था जो कि मैनेजेबल था, पर कई बच्चों का इस वजह से बिगड़ा, पर आपने उसमें अच्छा मैनेज किया और आपकी सबसे खास बात है कि 24 रैंक भी है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी एक सक्सेस जर्नी की एक स्टोरी बताएं, कब आपने निमसेट के लिए सोचा, कब से पढ़ाई की, और फिर मैं चाहूंगा कि आप ये भी बताएं कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे। मैंने सर निमसेट की तैयारी जुलाई 22 के 2020 के आसपास स्टार्ट किया था। ओके। उसके बाद मैंने बुक का बहुत सोचा कि कौन सा बुक लू। उसके बाद मेरी दी पुणे यूनिवर्सिटी से एमसीए कर रही थी उस समय, तो मैंने उनकी बुक पढ़ी हुई थी अरियंत की, मैंने उससे ही सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो मेरा अलजेब्रा थोड़ा स्ट्रांग था तो मैं उससे ही स्टार्ट किया था, अलजेब्रा से। उसके बाद पहले हम फॉर्मूला लिख लिया करते थे कॉपी में, उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व करते थे। उसके बाद जब एक सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता था, जैसे अलजेब्रा अगर पूरा कंप्लीट हो गया उसके बाद अलजेब्रा का रिवाइज कर लिया करते थे। बीच बीच में उस समय स्लो स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे करके बहुत धीरे धीरे मैथ बनते थे। उसके बाद धीरे धीरे आपका फिर चैनल देखे, आपका 2020 के टाइम का ही हम मैजिकल कैप्सूल कोर्स का वीडियो देखना स्टार्ट कर दिए थे। उस समय का ही कुछ कुछ वीडियो हम देखे थे। उसके बाद दिसंबर में आपका इंटरव्यू का सेशन आया था, वो सब देख के मोटिवेशन मिल जाया करता था। और ये सब फिर फरवरी से हम प्रीवियस ईयर टेस्ट देना स्टार्ट किए थे। तो सबसे पहले 2017 का हम दिए थे, मेरे को याद है उसमें 430 के आसपास मार्क्स आया था मेरा। ओके। तो उस समय थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि 430 के आसपास हो रहा था, कोई ना कोई एनआईटी तो कंफर्म मिल जाएगा अगर थोड़ी और मेहनत करे तो। उसके बाद आपका मैजिकल कैप्सूल कोर्स आया तो हम लाइव देख लिया करते थे पूरा। उसमें क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाता था और टिप्स मिल जाता था कैसे किसी क्वेश्चन को स्पीड में सॉल्व करना है। इससे वहां पे टाइम बहुत बचत हुआ, वहां पे नहीं तो टाइम बहुत लगता था। और अप्रैल में टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ था तो रेगुलर टेस्ट देते थे और फिर उसका जैसा आप बोलते थे एनालिसिस करने, वैसे ही एनालिसिस करते थे। मेरे को लग रहा है रैंक जो मेरा 24 आया है वो टेस्ट सीरीज के कारण ही आ पाया है। अगर टेस्ट नहीं होता तो मेरा यही 500-600 के आसपास रैंक आके रह जाता, पर इतना अच्छा रैंक जो टेस्ट सीरीज के कारण ही आ पाया सर। देखो अमन बिल्कुल सही बात बोली, क्या होता है टेस्ट सीरीज भी, जैसे बच्चे जब जुड़ते हैं टेस्ट सीरीज भी देते हैं, पर सबसे अच्छी बात है कि कुछ बच्चे पूरी तरह से फॉलो करते हैं, कुछ कई बार कुछ चीजें अपनी भी ऐड कर लेते हैं। जैसे आपने एक अच्छी बात बोली कि मैंने टेस्ट पेपर भी दिए और उनके एनालिसिस भी बहुत अच्छे से की। Yes, ये जो कॉमन है ना, ये कॉमन चीज जो है वो आपको हमेशा सक्सेस दिलाती है, क्योंकि पढ़ाई का एक फैक्टर है, आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए, पर वो स्पीड बिना टेस्टिंग के नहीं आ सकती। और उस टेस्टिंग के बाद भी उसका सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैं बोलता हूँ कि हर पेपर का अगर एनालिसिस कर लिया और वो क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाए या उस तरह का, तो आप सॉल्व कर पाए, तो आप समझ लो कि आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। और उसको आपने पूरी तरह से फॉलो किया और आज आपके सामने देखो रिजल्ट, जब आपने स्टार्ट किया था जब क्या सोचा था, और आज आपके सामने इतनी अच्छी रैंक है, इतना अच्छा रिजल्ट है, इतना अच्छा कॉलेज है, ये सब अपने को मिलता है अगर हम लगातार कंटिन्यूसली एक बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करें। यस सर बिल्कुल। तो अमन बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, मतलब आप क्या बोलना चाहोगे कि वो किस चीज पर ध्यान रखें। और छोटी छोटी चीजों में कई बार पैनिक होते हैं, देखिए आपको भी कभी कभी स्ट्रेस आता होगा, कभी कभी टेंशन होती होगी, तो उनको कैसे हैंडल करना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर बच्चे के लिए जरूरी है। पहले तो सर बच्चों को पहले तो सिलेबस अच्छे से देख लेना चाहिए कि एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, और जो नहीं आने वाला उनको उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। बहुत लोग जैसे पिछले बार कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन जैसे 2019 में आ गया था, बहुत लोग उसके पीछे परेशान थे कि कॉम्प्लेक्स यहाँ से कर लूँ वहां से कर लूँ। पहले सिलेबस को अच्छे से देखना चाहिए, उसके बाद उसके हिसाब से अपनी तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद एक प्रॉपर रिविजन होना चाहिए और आप जितना हो सके उतना टेस्ट दीजिए और टेस्ट का एनालिसिस करिए। और जैसे एग्जाम में प्रेशर का बात हुआ तो एग्जाम में आपको प्रेशर लेना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। आप ये सोच के आइए आप जब टेस्ट घर में देते हैं वैसे ही आपका टेस्ट वहां चल रहा है, बस आपको अपना अच्छा दे के आ जाना है। बस आपके सामने क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, बस और कुछ सोचना ही नहीं है, सिलेक्शन होगा सिलेक्शन नहीं होगा वो सब कुछ नहीं सोचना है। बस क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपना पूरा 100% दीजिए, 2 घंटे बाद आराम से निकलिए, फिर जो सोचना है बाहर सोचिए।
बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड अमन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अब मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी भोपाल भी आए। अभी आप नहीं आ पा रहे हैं अवार्ड सेरेमनी में, कोई बात नहीं, पर आपका अवार्ड भी सुरक्षित है, और मैं चाहूंगा कि जब भी आप भोपाल आए तो मुझसे मिलिए भी और अवार्ड भी लीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू सर, पक्का आऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू।